ओए कब से तुम्हें कह रहा हूँ, तुम्हें आवाज नहीं आ रही, अल्लाह भला करे। साहब अल्लाह के नाम पे कुछ दे दो साहब, दफा हो यहाँ से। साहब कुछ खाने को ही दे दो साहब। प्यार से तुम्हें समझ नहीं आ रही, तुम्हें नहीं पता इस वक्त घर वाले सब सो रहे होते हैं, जाओ दफा हो जाओ यहाँ से। चलो बेटा, शाबाश शाबाश, ध्यान से बेटा, बेटा ध्यान से। साहब मैं भीख मांगने नहीं आया, आप मुझसे ये खरीद लें। जाओ यहाँ से, नहीं चाहिए। साहब एक दो ले लें साहब, कुछ कमाई हो जाएगी, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया। तो तुझे क्या लग रहा है, मैं ले लूंगा? हाँ साहब ले लें साहब, कुछ खाने को ले लूंगा मैं। अबे चल चल, मैं अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसे तुम्हें दे दूं। साहब मैं भीख नहीं मांग रहा साहब, आप मुझसे ये पेंसिलें खरीद लें, आपके किसी काम आ जाएंगी। पापा साहब बच्चे के लिए ले लें साहब, बच्चा इस्तेमाल कर लेगा। तुझे सुना नहीं, पीछे ही पड़ गया, दफा हो यहां से, जान छोड़ हमारी। बेटा ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं, मुफ्त खोरे। पापा अब उनसे पैसे ले लेते, मुझे चाहिए थी। ओहो बेटा मैं तुम्हें घर के पास वाली शॉप से ले देता हूँ, चलो आओ। पापा मुझे एक चीज लेनी खाने के लिए। क्या लेना है मेरे बेटे ने? साहब कुछ खाने के लिए दे दे। बार बार भीख मांगने आ जाते हैं साहब। चलो शाबाश, चलो बेटा चलें। पापा मैंने 50 वाली लेस खानी है। आओ मेरा बेटा, मैं तुम्हें 100 वाली लेके देता हूँ। पापा मुझे आप 2 50 वाली लेस ले दें। बेटा इधर आओ। जी पापा। ये क्या किया आपने? पापा हमारी स्कूल में टीचर ने बताया था अगर हम किसी गरीब की मदद करते हैं तो हमें स्वाब मिलता है। बेटा वो तो मिलता है, लेकिन जो इनके माँ बाप है ना, इनको जानबूझ के मांगने के लिए भेजते हैं। ऐसे ही लोगों की मदद करने की जरूरत नहीं है, आप खुद खा लेते दोनों ही। पापा पापा मैं वो वाला झूला ले लूं? ले लो बेटा। क्या हुआ पापा? बेटा जाओ। पापा उठो पापा, क्या हुआ पापा, क्या हुआ पापा, पापा पापा। शुक्र है पापा आप उठ गए। बहुत शुक्रिया भाई। पापा देखो ये तो वही भाई है जिनको आपने डांटा था। मैं गलत था बेटा, मुझे माफ कर दे भाई। बहुत शुक्रिया भाई आपने मेरी मदद की। ये ले, ये आप रख लें। नहीं साहब ये मैंने पैसों के लिए नहीं किया, मेरा तो फर्ज बनता है लोगों की मदद करना। रख ले रख ले रख ले, ये आपके लिए है।
मेरी तरफ से तोहफा। बहुत शुक्रिया साहब। बेटा आज के बाद हमने किसी गरीब को नहीं डांटना, चाहे कम दें लेकिन देंगे जरूर। ठीक है पापा। लोग हजारों खर्चते वक्त नहीं सोचते, लेकिन जब कोई फकीर 10 रुपए मांग ले तो उसके गले पड़ जाते हैं। सदका बलाओं को टालता है, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और चाहे हम थोड़ा ही दें लेकिन अल्लाह की राह पर जरूर देना चाहिए। तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्या पता आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।